तो आप जरा खोल। नाउ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आई पुट माई माइक ऑन ऑल्सो। अनमोल मैम उसने लिखा होगा, मैम आपका माइक म्यूट पे है, सो नाउ इट इज ओके। दैट टाइम आई वॉज जस्ट टाइपिंग द थिंग, सो आई पुट माई माइक ऑन म्यूट मोड एंड समबडी कम्स टू मी फॉर सर्कुलर, दैट्स वाई आई कैप्ट इट ऑन म्यूट मोड एंड नाउ इट्स ग्रीन ब्लिंकिंग इज देयर ऑन माई माइक ऑन माई स्क्रीन, सो इट्स ऑडिबल टू यू आई थिंक, राइट? सो दिस चैप्टर वी हैव डन विद स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर। सारे सिलेबस के कंटेंट में एक बार पढ़ूंगी जरूर, ताकि हमें पता चल जाए हमने सारा कुछ कर लिया है। देन प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट कंबाइंड रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कर लिया हुआ है हमने पेपरों से पहले, ठीक है, और पेपरों के बाद हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया था ड्यूरिंग वेकेशन, वेकेशन से पहले। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ये दो चैप्टर रहते हैं फर्स्ट बुक के, जो हमारे फर्स्ट टर्म में आने हैं, वो हम लोग करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग मार्केटिंग। मार्केटिंग को एक और दो दिन ही और लगाऊंगी मैं, एंड देन यस, इस चैप्टर को मैंने इतने दिन लगाए, एंड ही ऑल्सो पुट एंड ही ऑल्सो वर्ड्स दैट दिस चैप्टर शुड बी द पार्ट ऑफ टर्म वन। सो वट एवर वी डिड राइट नाउ दैट इज द पार्ट ऑफ आर टर्म वन, राइट? इसी तरह से अकाउंट्स में भी हुआ, मैं अभी अकाउंट्स का भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू रीड द कंटेंट कि मार्केटिंग में से क्या क्या डिलीट हुआ है, बाकियों का बाद में पढ़ते हैं, पहले मार्केटिंग का देखिए। आप लोग भी अपनी स्क्रीन पे खोल लीजिए, मैंने आपको सेंड किया हुआ है सिलेबस, ठीक है, एंड बेटर टू सेव दैट सिलेबस इन योर ड्राइव्स, सो दैट व्हेनेवर यू रिक्वायर इट यू कैन हैव द एक्सेस टू इट, राइट? सो मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो ही सेज कॉन्सेप्ट फंक्शंस, हम फंक्शंस ही कर रहे थे 12 फंक्शंस, फिलोसफीज हैं हमारे सिलेबस में। तब मैंने बोला था कि लास्ट ईयर शायद इसने डिलीट कर दी थी, अभी भी करेगा फिलोसफीज, यू नो 5 फिलोसफीज वी डिड। याद है आपको 5 फिलोसफीज? लेट मी राइट इट फॉर यू हियर। हाँ यस, 5 फिलोसफीज। प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, पहले प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन, देन प्रोडक्ट, देन सेलिंग, सेलिंग पे ज्यादा स्ट्रेस दिया, अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करनी यूज करनी शुरू कर दी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन was related to it, then societal marketing concept, ठीक है, so all these 5 philosophies, societal marketing concept, ठीक है, so these philosophies are also the part of our syllabus. Now what else he has written? Understand the concept of marketing, discuss the functions of marketing, explain the marketing philosophies, done, then marketing mix. Understand the concept of what is the meaning of marketing mix? There is a combination of all the P's, ठीक है, and that P's were your product, price, promotion and physical distribution. इन सब के बारे में पढ़ लिया है। Then product branding मैंने करवा दिया, labeling करवा दिया, packaging करवा दिया, ठीक है। Then price, price का meaning पता होना चाहिए, factors determining price हमने कर लिया, physical distribution का concept. बस इसका कॉन्सेप्ट है, कंपोनेंट्स नहीं है, तो कंपोनेंट्स लास्ट ईयर में भी डिलीट था, कंपोनेंट्स यू कैन पुट अक्रॉस इन योर बुक, कंपोनेंट्स आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, सॉर्टिंग वाला, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वो नहीं है सिलेबस में, राइट? उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट है। देन प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है एज वेल एज एलिमेंट्स है, मैंने सारे एलिमेंट्स करवा दिए बच्चों आपको, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन, येस्टरडे ओनली वी वॉन्ड अप, ठीक, और इसमें भी आउटकम्स में भी यही लिखा है। What else he has written? Project work in business studies, only one project guidelines, वो मैंने हमने project बना लिया हुआ, मैंने vacation में आपको दिया था, ठीक है। So when I talk about unit one, unit one की बात करते हैं, unit one में क्या है? That is unit one पे देखिए, management concept objective and importance. So वो कहता है concept of management आपको पता होना चाहिए, effectiveness and efficiency आपने paper की तैयारी करी थी, आपको पता ये topic क्यों हुए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किया है, देन नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन, वी कंप्लीटेड इट,
देन अंडरस्टैंड द रोल ऑफ टॉप, तीनों लेवल्स के फंक्शंस हमारे सिलेबस में थे, ठीक है. देन डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मीन सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हमने किया है. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड यूनिट दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सो वी डिड द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वी रेड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Then 14 principles given by Fuel, and then explain the principles and techniques of scientific management हमने किया हुआ है. Business environment में क्या है हमारे syllabus में, दो ही तो चीजें हैं. One is what? Understand the concept of business environment, means इसका meaning sum total of all surroundings which are out of the control of the business house. That was business environment. Importance, describe the various element of business environment. It means कि वो जो policy changes था ना, government policy changes, last वाला topic वो syllabus में से deleted है. ठीक है, लास्ट ईयर जितनी डिलीशन थी उतनी ही इसने डिलीशन रखी है. ये दो टॉपिक अभी मैं नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्टिल वी हैव टू स्टार्ट. नाउ आई एम कंसर्न विद यस्टरडे ओनली, और अब डे बिफोर यस्टरडे सम स्टूडेंट वॉज आस्किंग फ्रॉम मी कि मैम क्या चेंजेस हैं और सिलेबस आप कहाँ तक करवाओगे. एट द टाइम आई सेड कि लेट मी कम्प्लीट फर्स्टली एडमिशन, देन वी विल सी, एंड वी आर वेटिंग फॉर द सिलेबस, एंड हियर इज द सिलेबस नाउ इन फ्रंट ऑफ मी, राइट. तो प्लस टू का अकाउंट्स का सिलेबस खोल लीजिए. यस, पार्ट वन में ही सेज फंडामेंटल्स हमने कर लिया. यस, एनपीओ मेरे को लगता है हमने फालतू किया है ना, इसमें एनपीओ नहीं डाला. फंडामेंटल्स, यस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है, वो हम करेंगे. मैंने बोला था ना दैट आई विल वेट फॉर द सिलेबस. एडमिशन वी आर डूइंग, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर शेयर्स सेकेंड बुक का है हमारा पहला चैप्टर. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से क्या डाला, ये सारी थ्योरी है. हेड्स और यस, रेशियो एनालिसिस, गुड. टूल्स ऑफ एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस, टूल्स ऑफ एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये भी गलत ही लिखा है. रेशियो एनालिसिस अलग से चैप्टर है, और वाली ऑप्शन हम लोग नहीं लेते बेटे. हमारी ऑप्शन यही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली, ठीक है, और वाली नहीं है. मैं टॉपिक पढ़वा देती हूँ आपको. पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने कर लिया. प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ डीड हमने कर लिया. फंडामेंटल्स की बात, एनपीओ मेरे को लगता है टर्म टू में डाला होगा, तो वहां पे एनपीओ हमने ज्यादा किया होगा, कोई बात नहीं. फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वी डिड, पास्ट एडजस्टमेंट वी डिड, गुडविल का चैप्टर हम लोगों ने किया हुआ है, वही एवरेज प्रॉफिट मैथड, सुपर प्रॉफिट मैथड एंड कैपिटलाइजेशन. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा रहता है. एडमिशन वी विल कम्प्लीट, येस. एडमिशन में अगेन वी आर ऑन द सेफर साइड, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करना. तो एक ही टॉपिक रह गया हमारा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रीवैल्यूएशन. शेयर कैपिटल में फोर फीचर तक होगा. हाँ, शेयर कैपिटल में से पिछले साल भी कुछ डिलीट नहीं था. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस थ्योरी का चैप्टर है. यस, रेशियोज है बस. तो देखें जरा एनपीओ कहाँ डाला. यस, एनपीओ सेकेंड टर्म में डाला. डेथ एंड रिटायरमेंट भी सेकेंड टर्म में, डेसोल्यूशन भी, और डिबेंचर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, ठीक डिवीजन करिए. इट मींस के अकाउंट्स में हमारा ज्यादा सिलेबस रहता बेटा. वन इज व्हाट, शेयर कैपिटल, एंड अदर इज व्हाट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एनपीओ हम तो ज्यादा कर चुके हैं 10 नंबर का, कोई बात नहीं. वी हैव टू टेक द पेस, हमें थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा. बट इवन देन आई कांट फिनिश द सिलेबस हरीडली, क्योंकि हमारे पास नवंबर दिसंबर में ही होने हैं ना पेपर. सो स्टिल द टाइम इज विद अस, टाइमली ही आया है हमारे पास सिलेबस. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 months आर देयर, और 3 ही तो चैप्टर है. अच्छा, मेरे को तो लगता है आने वाले टाइम में भी सेमेस्टर वाइज ही होना चाहिए, क्योंकि एंड में सीबीएसई का सिलेबस ही बहुत ज्यादा हो जाता है. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट. व्हाट वी वर डूइंग, आई जस्ट वांट टू शो यू कि हम लोगों ने कहां तक छोड़ा था. फ्रॉम देयर वी रेड द मीनिंग. मैंने एक ना ब्लू वाले बॉक्सेस आपको जरूर करवाने हैं, जहां जहां ब्लू बॉक्स आता है ना, आई विल जस्ट स्टॉप. आई जस्ट वॉन्ट टू रीड एंड आई विल रिलेट इट विद. यस, ये मैंने करवाया हुआ बेटा, अगर आपको याद हो तो, एग्जाम से पहले. एंड एट द टाइम आई टोल्ड यू कि डोंट गेट कंफ्यूज कि ओनली द थिंग्स कैन बी मार्केटेड, ओनली द गुड्स कैन बी मार्केटेड, इवन द पर्संस कैन बी मार्केटेड. सो आई एम रीडिंग इट वंस अगेन फॉर यू, आपका रिवीजन भी हो जाएगा. फिजिकल प्रोडक्ट्स लाइक डीवीडी प्लेयर आजकल नहीं चलते, ठीक है. मोटरसाइकिल, आईपॉड, सेल फोन्स, फुटवेयर, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर द फिजिकल प्रोडक्ट्स विच कैन बी मार्केटेड. सर्विसेज की अगर बात करूं तो बैंक की सर्विसेज है, इंश्योरेंस की सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है. सो ऑल द सर्विसेज कैन ऑल्सो बी मार्केटेड. पोलियो वैक्सीनेशन, अब तो क्या है, कोविड 19 वैक्सीनेशन, अब वो एग्जाम्पल लिखोगे. आइडियाज,
हेल्पिंग आते थे ना फॉर्म स्कूल में, जब आप छोटी क्लासेस में रहते थे और जब कभी स्कूल खुला करते थे हमारे, तो हेल्पेज के ओल्ड एज के एनजीओ के फॉर्म आया करते थे, वेयर बाय वी वर आस्किंग यू टू डोनेट फॉर दिस वेलबींग। फैमिली प्लानिंग का आइडिया प्रमोट कर दिया, जैसे आजकल हमारे कंट्री में यूपी में फैमिली प्लानिंग के ऊपर एक्ट बनाने के बारे में योगी सरकार सोच रही है, सो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना, डोनेशन ऑफ ब्लड कैंप लगाने, डोनेशन फॉर मनी ऑन फ्लैग डे, आर्मी डे के ऊपर भी हमारे पास आते थे ना फ्लैग, एंड यू यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट 10 rupees फॉर ईच फ्लैग, सो दीज आर द आइडियाज दे वर प्रमोटिंग, सो दैट कैन बी मार्केटेड। पर्सन इलेक्शन के दिनों में बंदों की मार्केटिंग होती है, यू कम फॉरवर्ड और इस बंदे के ऊपर, इस पार्टी के ऊपर अपनी वोटिंग स्टैंप लगाइए, सो दिस इज व्हाट मार्केटिंग ऑफ पर्संस। जब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया को हमारा टूर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, ट्रेवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रमोट करता है, तो वो क्या है, विजिट आगरा, सी ताजमहल देयर, आउट ऑफ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड, लाइक दैट वे यू आर प्रमोटिंग दैट प्लेस, सो दिस इज व्हाट यू आर marketing place. Experience, customized experience as dinner with a cricketer, say MS Dhoni, lunch with a celebrity, say Bill Gates or Aishwarya Roy, or experience of balloon riding, mountaineering, etc. So इस तरह के experiences की भी marketing होती है। Properties सबको पता है, intangible rights of ownership of real estate, कोई भी property के बारे में paper में ad आती ही है real estate की, ठीक है, for sale, तो वो प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग हो गई। इवेंट्स जैसे ओलंपिक चल रहे हैं पहली बार विदाउट ऑडियंस और विदाउट व्यूअर्स, तो उसकी जो मार्केटिंग हो रही है उसके बारे में टीवी में एड आ रही है, सो दिस इज व्हाट दे आर मार्केटिंग एंड इवेंट। आईपीएल हो रहे हैं तो उसकी एड आ रही है, तो दे आर मार्केटिंग एंड इवेंट। हमारी अपनी सिटी में कोई एग्जीबिशन लगती है डिफरेंट स्टेट्स की, यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है, दुबई बाजार लग रहा है, बॉम्बे मार्केट लग रही है, सो लाइक दैट वे दे आर मार्केटिंग द इवेंट। इंफॉर्मेशन, किस चीज की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज ने कोई कोर्स निकाले हैं, एडमिशन नोटिस हो सकता है, हमारे अपने स्कूल में नवंबर के दिनों में या जनवरी के दिनों में नर्सरी की एडमिशन निकलती है, मार्च में प्लस वन की निकलती है, तो इन्फॉर्म द पब्लिक, ठीक है, तो उस चीज इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है। कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने जेंटल आइडियाज को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, like for boosting their public image, organizations such as Hindustan Unilever, Ranbaxy, Dabur, Protector and Gamble. For example, Philips says, let's make things better. ये तो उनका tagline है भाई, ठीक है, LG का जैसे life good है, तो इसी तरह से different organizations अपने ideas को क्या करती हैं, promote करती हैं, अपने company के साथ एक tagline क्या करती हैं, use करती हैं, ठीक है, so that is what they are organizing them, they are marketing themselves only. So this was your first blue box. You also need to read what can be marketed. जो उसने box में लिखा वो paragraph में लिख दिया, who is a marketer, हमने किया हुआ है। Marketing management की definition आपको आनी चाहिए, दो parties का होना जरूरी है, target market को select करना है, ये सारा कुछ मैंने करवाया हुआ है। Then marketing and selling में difference किया हुआ है बच्चों हम लोगों ने, this is important, इस chapter में से दो difference है, one is what marketing and selling, and second is what advertising and personal selling, जो last page पे है, this is for what he is talking about marketing philosophies, ये हमारे syllabus का part है, नए syllabus में उसने specially इसे highlight किया है, that is marketing philosophies, तो मैंने ये आपको पहले से लिख के बता दिया अपने white board में, once again you can see, I have not erased, I think, all the five philosophies are written over here. प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, सेलिंग है, मार्केटिंग है, एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, सो दिस वाज आवर फाइव फिलोसफीज ऑलरेडी कंप्लीटेड। इनके बारे में डिटेल है और इसका भी एक टेबल सा बनाया हुआ है पांचों को डिफरेंशिएट करने के लिए, दैट आल्सो यू कैन रीड फॉर योर रेफरेंस। यस, दिस बॉक्स अगेन आई हैव टू रीड, मैंने बोला था ब्लू बॉक्स सारे आज पढ़ेंगे ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स भी तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेट्स डिस्कस। फोकस ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज इज ऑन फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर, ट्रू है। मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन सेंटर से सामान उठा के कस्टमर सेंटर तक, कंजम्पशन सेंटर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है, सो दिस इज ट्रू, राइट। I must draw the T over here, you know. So first is true.
In modern marketing, the term market refers to a place. No. In modern market, market is not a place. Marketing is a sum total of all the actual buyers and prospective buyers. So this is false, right? This I must write false. Second wala false hai. Traditional definition mein market is a place jahan pe buyer aur seller aapas mein mila karte the. But this is false. Marketing is same thing as shopping. No, marketing is totally different from shopping. Ye hamari definition mein likha hua hai. So this is again false. Third is false. Aap true false likhte jao. Marketing is a post production activity. No, marketing is post production activity. You tell. हाँ, production के बाद ही marketing start होगी. This is true. ठीक है ना? Post production activity. This we can read. Marketing कौन सी activity है? यहाँ पे लिखा होगा. जहाँ पे उसने marketing के बारे में हमें बताया. मार्केटिंग की ट्रेडिशनल और मॉडर्न डेफिनेशन होगी. मर्केंडाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल द पार्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ फर्म विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड मार्केटिंग. इट मे बी नोटेड हियर दैट मार्केटिंग इज नॉट मेयरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स मेनी. हाँ, तो ठीक लिखा है. इज नॉट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्योंकि इसमें प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी तो आती है. प्रोडक्शन से पहले मार्केट रिसर्च करना भी तो मार्केटिंग है. सो फॉल्स है भाई. आई वॉज राइट. इन ऑर्डर टू डू योर ट्रू एंड फॉल्स यू शुड हैव अ ब्रॉड नॉलेज. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. मार्केटिंग इज इक्वली रेलिवेंट टू एनपीओ. यस, एनपीओ भी तो अपने आइडियाज क्या करते हैं, हर तरह के, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी मार्केटिंग करते हैं अपनी आइडियाज की. टर्म नीड एंड वॉन्ट आर यूज इंटरचेंजेबली इन मार्केटिंग लिटरेचर. मेरे हिसाब से तो नहीं. नीड इज समथिंग एल्स, वॉन्ट इज समथिंग एल्स. ये भी पढ़ते हैं. नीड आइडेंटिफाई द नीड, फर्स्ट फंक्शन था ये पढ़ लेते हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन. And नहीं, marketing management is something else. Marketing management की एक elaborate definition है, ये भी false है. Product designing does not come under the purview. क्यों? Product designing comes under the purview of marketing activities, because product designing is also one of the function of our marketing. Product designing अगर अच्छी नहीं होगी तो how we can force or persuade our buyers to buy our products. So product designing is a part of your marketing activities, right? So this also you have to prepare for exams. देखो आ गया ना, gathering and analyzing market information. This is pre-production activity. अब मेरे को functions में से आपको सारा बताना है. Marketing planning हो गया, product designing है ना, is a part. Packaging and labeling, standardization and grading already done with. Branding हो गया हमारा. Customer support services done, pricing of product is done, promotion done, physical distribution done, then transportation and warehousing, all we have done with. Yes, this topic today I have to pick, that is role of marketing. Specifically nahi likha, but it is for your reference, because any line he can pick and he can frame the question. Specifically syllabus mein kahin pe bhi role of marketing nahi likha, but this for your knowledge I am doing in the class. All marketing organizations operate either to earn profit or pursue some goals such as community service, improvement of quality of life, or promotion of a cause. Say UNICEF. UNICEF is for children education, by United Nations Children Education Fund बोलते हैं, International Children's Education Fund. Working for the welfare of the children and HelpAge working for the cause of senior citizen. तो हर ऑर्गेनाइजेशन किसी कॉज के कारण क्या रहती है, मार्केट में आती है. उस कॉज को अटेन करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए दे जस्ट डू द मार्केटिंग. तो चाहे आपकी एनपीओ है चाहे आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों को ही मार्केटिंग की जरूरत है. ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, डाल दिया वहां पे ट्रू और फॉल्स पहले. वेदर इट इज, मैंने इसका ट्रू ही बोला था. वेदर इट इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखो कैसे क्वेश्चन बनाया. Whether it is a profit organization or NPO, marketing plays an important role in achieving its objective. क्योंकि marketing में आपने propagate करना है, market में आपने अपने service को, अपनी activity को promote करना है. तो promotion की तो हर organization को जरूरत पड़ती है. So it helps
मेरे जैसे कंज्यूमर, मेरे और आप जैसे कंज्यूमर को इसका क्या फायदा है, हमें ब्रांडेड चीजें मार्केट में यूज करने को मिलती हैं। सो ब्रांडेड प्रोडक्ट व्हेन वी बाय एंड वी यूज दैट रेज आर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि समान घटिया किस्म का कोई भी कंपनी नहीं बनाएगी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ टफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। इट ऑल्सो प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हाउ? बिकॉज GDP बढ़ेगा, आपको मैम ने नेशनल इनकम करवा दी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, जितनी प्रोडक्शन हमारी कंट्री में सामान की बढ़ती है उतना हमें रेवेन्यू भी अर्न होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सो इन दैट वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका रोल है। सो नाउ ही विल बी डिस्कसिंग द रोल इन अ फर्म, देन ही विल बी डिस्कसिंग द रोल इन द सोसाइटी। फर्म मतलब कंपनीज को मार्केटिंग के क्या फायदे हैं, यू टेल कंपनीज को मार्केटिंग के क्या फायदे हैं। मार्केटिंग करके आप लोगों की पहले डिमांड को जानते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सामान बनाते हो, फिर लोगों को कन्विंस करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट देते हो और आप अपने सामान को प्रमोट करते हो, देन यू एंश्योर कि आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। सो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। हर फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमेशा प्रॉफिट अर्न करना। सो टू कैप्चर दैट ऑब्जेक्टिव, दैट गोल, it is essential to do the marketing. It emphasizes that the customer satisfaction is the key to the survival and growth of the organization. By adopting marketing orientation, marketing orientation kya hai, customer satisfaction aaj ka funda hai ye, theek hai, jo bhi organization customer satisfaction ko stress nahi karti wo organization zyada der tak survive nahi kar payegi hamari मार्केट में। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू बी मार्केटिंग ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड। बाय अडॉप्टिंग मार्केटिंग ओरिएंटेशन एन ऑर्गेनाइजेशन वेदर प्रॉफिट मेकिंग और बार बार बात कर रहा है नॉन प्रॉफिट मेकिंग कैन अचीव इट्स गोल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस, टाइम पीरियड जो आपको दे रखा है उसमें आप अपने गोल्स अचीव कर लोगे और आपकी कॉस्ट कम से कम लगेगी, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। इट हेल्प्स इन फोकसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। तो आप बनाते ही वही हैं जो कस्टमर्स को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विल बी मार्केटेड बाय फर्म विल डिपेंड अपॉन वट डू द कस्टमर्स नीड, कस्टमर्स को चाहिए क्या। So an analysis of the needs of customers shall be undertaken in order to decide what to produce and what to sell. Product will then be designed. वे सारे function हैं, तभी मैं topic last में करवाती हूँ, अब आपको सारा समझ आ जाना। पहले आप ये जानने की कोशिश करते हो हम क्या बनाएं। जब आप ये decide कर लेते हो क्या बनाना है, फिर उसका design आप select करते हो। Product will then be designed according to the needs of the potential buyers and made available. Physical distribution की help से आप customers तक वो सामान पहुँचाते हो। फिर आप उसका एक जेन्युइन प्राइस फिक्स करते हो। इन अदर वर्ड्स, मार्केटिंग एज अ बिजनेस फिलॉसफी हेल्प्स इन सर्विंग द कस्टमर बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। इट इज वेल नोन फैक्ट दैट अ सेटिस्फाइड कस्टमर इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट बिकॉज ही और शी इज द किंग ऑफ द मार्केट। सारी मार्केट उसके ऑर्डर्स पे घूमती है। दस मार्केटिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। मीन्स आज की अगर मेरी कंपनी मार्केटिंग के ऊपर स्ट्रेस नहीं करेगी तो उसका ग्रोथ और सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब इकोनॉमी एज अ होल को इसका क्या फायदा है, हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमारी कंट्री की GDP बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। सो फॉर दैट इट इज कंट्रीब्यूटिंग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ड्यू टू दिस फंक्शन। ठीक है, सो लेट्स रीड। मार्केटिंग प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इटसेल्फ। पहला पॉइंट आ गया, आप इनको पॉइंट्स में भी कर सकते हैं। बाय प्रोड्यूसिंग द स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स that only is sold in the market, there is no compromise on quality basis. So everything which the customer desires, which the customers want, that is only being produced by the business houses. So in that way they are raising the standards of living of the people. Development of a nation can be judged. Hame kaise pata chalega ye nation develop hai, by the standard of living of its people. Another criteria kya hota hai, per capita income. हर बंदा जो मेरी कंट्री में रह रहा है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, एनुअल इनकम उसकी कितनी है। तो एनुअल इनकम कैन गेट एनहांस व्हेन दे आर गेटिंग द जॉब्स। तो मार्केटिंग के फील्ड में बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। ठीक है जी। और कहता है अंडर डेवलप्ड नेशन कौन सा माना जाता है, जिसमें पॉवर्टी है, स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स है, सर्विसेज की स्कैर्सिटी है, शॉर्टेज रहती है, लोग भूखमरी से मर जाते हैं। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अब हमारे देश में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है लेकिन इंडस्ट्रीज भी है।
So we are not underdeveloped, we are developing a nation, right? Marketing can play a significant role in the economic development of a nation. It can inspire the people to undertake new activities and to set up the enterprises. नई नई companies खुलेंगी, वो सामान को बनाएंगी. ठीक है, आज तो मेरी मोदी गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट बना दिया, स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट बना दिया. तो आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं फेस करनी होगी, आपको बैंक से इजीली फाइनेंस मिल जाएगा फॉर स्टार्टअप स्पेशली. और स्टार्टअप बेसिकली यंगस्टर्स के लिए है. यू कैन डेवलप सच टाइप ऑफ एप्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट एंड दैट एप्स आर गोइंग टू हेल्प द बिजनेस हाउसेस एट मोस्ट. तो जब एप्स डेवलपमेंट के लिए आपको जो पैसा चाहिए, द गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू. Marketing can help in overcoming obstacles posed by high prices due to imbalances in the levels of production and consumption. So marketing में हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि जो imbalances create हो चुके हैं, किसके कारण? क्योंकि demand क्या है, ज्यादा है लेकिन उतनी ज्यादा production नहीं है. Shortage of goods के कारण price high होते हैं. तो marketing में ये focus किया जाता है कि imbalances ये remove किए जाएं और genuine price fix किए जाएं प्रोडक्ट्स के, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से सामान को उन एरिया तक भी पहुंचाया जाए जहां पे उसकी शॉर्टेज है. सो टू सम अप, मार्केटिंग कैन हेल्प इन फाइंडिंग आउट राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट अ फर्म शुड मैन्युफैक्चर. मार्केटिंग हमें बताती है कि आपको कौन सा सामान बनाना है, कहाँ पे उस सामान की जरूरत है, वहां पे उसे बेचना है, किस प्राइस पे उसे बेचना चाहिए, प्राइस फिक्सेशन के बारे में बताती है. सो दिस लिंकेज बिटवीन बिजनेस एंड कंजम्पशन सेंटर एक्सेलरेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी. जितना ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट भी डेवलप होगा, उसकी रेवेन्यू अर्न होगी. कंजम्पशन सेंटर पे सामान पहुंचेगा तो शॉर्टेज नहीं होगी. ठीक है, एंड इंक्रीज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. मोर कंजम्पशन एंड इंक्रीज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आपस में रिलेशन नहीं है वैसे. अगर कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा होगी मीन्स जो लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो सेविंग्स थोड़ी ना होगी. इकोनॉमिक्स के साथ ऐसे इसने रिलेट कर दिया, इस तरह से नहीं है. हाँ, बिजनेस की ग्रोथ होगी तो बिजनेस का रेवेन्यू ज्यादा होगा, वो फ्यूचर के लिए पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएगा, बिजनेस हाउस अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, इंडिविजुअल नहीं. ठीक है, सो वंस अगेन वी अराइव्ड एट अ ब्लू बॉक्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. पैकेजिंग सर्व्स एज अ प्रमोशनल टूल, इज इट सो? यस, मैं पैकेजिंग के बारे में क्या बोलती हूँ, इट इज अ साइलेंट सेल्समैन. तो अच्छी पैकेजिंग हमेशा हमारी हेल्प करती है सामान को बेचने में, तो इट इज अ प्रमोशनल टूल. स्टोरेज एड्स टाइम वैल्यू, यस. जितने टाइम के लिए मार्केट में डिमांड नहीं है तो ये टाइम यूटिलिटी है. वेयर हाउसिंग प्लस वन में आपको करवाया हुआ है, वेयर हाउसिंग ऑलवेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, दिस इज ट्रू. फाइनेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग ओनली हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, नो. फाइनेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, चाहे आपने लो वैल्यू प्रोडक्ट भी बनाना है तो भी पैसे की तो जरूरत है ना. तो दिस इज फॉल्स. मार्केटिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ओनली, नो. मार्केटिंग प्ले रोल फॉर द सोसाइटी, फॉर द फर्म एज वेल, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. मार्केटिंग एज अ, ये करवा दिया मैंने, कैटलिस्ट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस. कैटलिस्ट एक पैरामीटर है. ठीक है, मार्केटिंग जिस कंट्री में अच्छी चल रही है एंड द कंपनीज आर एंगेजिंग देमसेल्फ इन द मार्केटिंग, that is indicating the economic development of the nation. So this thing you have to learn, you have to retain. Now let's find out the next blue box. Elements kar liye. Elements mein products hamare syllabus mein nahi hai detail mein. Ye charo elements hain, maine karwa diye hue hain. Product ka detail nahi hai. Beech mein kahin blue box hoga to I will stop. Yes. Marketing of services. What can be marketed आपको बता दिया, तो services can also be marketed. तो यहाँ पे speed post leads the race in express mall. India का ही है, चलो पढ़ते हैं. Speed post is a service being launched by our post offices. Indian post offices ने ये speed post वाला system launch किया था. तो देखते हैं, India post has 28% market share against Blue Darts. Blue Darts is a courier service भाई. तो वो भी पैकेट्स और पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन. ठीक है, विद इन अ डे इवन, इमरजेंसी में अगर आपने सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, दे चार्ज डबल, बट दे प्रॉमिसेस यू टू सेंड योर मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन. सो वी विल कंटिन्यू विद इट, टाइम हैज अप एंड यू हैव टू जॉइन योर नेक्स्ट क्लास एज वेल. दिस इज एट 35 है ना, 10 पे हुआ था. चलो ये पढ़ लेते हैं. Speed Post has emerged as a market leader in the express mail category with the 27.55 volume share. मतलब हमारे Indian post offices का इतना share है.
ये सारा डाटा किसने इकट्ठा किया? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शोज. अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑलमोस्ट 46.67 करोड़ आर्टिकल्स वर सेंट बाय एक्सप्रेस मेल इन 2005 and 2006. द स्टडी वैल्यूज द एक्सप्रेस मेल इंडस्ट्री अलोन. भारी भरकम सामान भी जाता है, कार्गो वगैरह प्राइवेट फर्म्स का जाता है, एट अराउंड 1500 करोड़. उसका सारा डाटा दिया इन वैल्यू टर्म्स. व्हाइल स्पीड पोस्ट इज अ लीडर, 28% अगर इसका शेयर है तो वो लीडर है इस फील्ड में. अब मेरे को लगता है प्राइवेट कंपनीज ने ओवरटेक कर लिया होगा. ब्लू डार्ट इज अ क्लोज सेकंड विद 20% मार्केट शेयर. फिर डीटीसी सबको पता होता है, ये भी कुरियर सर्विस है, इसका 11.91 शेयर है आज से 15 साल पहले. एंड फर्स्ट फ्लाइट का 10.89 शेयर है. दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. ये क्यों ऐसा हुआ, हमारा मार्केट शेयर इतना क्यों हुआ? क्योंकि हमारा प्राइस प्राइवेट पार्टीज के प्राइस से कम है. तो ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कहता है. तो हमने अपने सर्विसेज की भी मार्केटिंग करी. मतलब एक जेन्युइन प्राइस अगर आप फिक्स करते हो तो यू कैन इंश्योर अ गुड और बिग चंक ऑफ मार्केट शेयर. वी आर ऑफरिंग द सेम सर्विसेज एज अदर प्राइवेट कुरियर्स डू विद द सेम एफिशिएंसी बट एट अ हाफ रेट. मतलब हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, वो प्राइवेट से हाफ क्या करता है, चार्ज करता है. इसलिए हमारा मार्केट शेयर आज भी ज्यादा है. इनफैक्ट स्पीड पोस्ट क्लेम्स दैट इट वॉल्यूम्स हैव increased almost 30-40% after the introduction of One India One Rate scheme. कहीं से भी वो सामान आप भेजो, सेम रेट ही लगेगा. मतलब कहीं पे भी भेजो, कहीं से भी सेम रेट लगेगा, वेट के अकॉर्डिंग रेट लगना है. Express companies are hopeful that market is going to grow further with setting up of special economic zones. उन्होंने भी अपना correspondence और सामान भेजना होगा. And economic greater economic activity in the country fueled by increasing throughput फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेंटर. और जैसे जैसे हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो रही है, हमें लगता है हमारा बिजनेस और ज्यादा डेवलप होगा. ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे, राइट?